वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है, और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन्होंने सामने वाले मकान से, तो कहते हो बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है, महंगाई होते नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे आपने आप मत जाना। ये और इनकी 4 बेटियाँ नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में, एक में हीरा लाल होते हैं। बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं। 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़के थे, 4 लड़के में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, बाप को देखते देखते तरस आता था, धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल, मैं कब बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या। तब जिंदगी से बेचारा हार गए, चल गए होंगे सारे सारे। हमें CCTV फुटेज मिला है कि हमें 24th को ये लास्ट टाइम अपने घर में सामान लेते हुए जाते हुए नजर। सुबह ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे, उसके बाद एक कैटेगर का फ़ोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के कैटेगर यहाँ रहते हैं, नीचे रहते हो, तो बोलो भाई साहब यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर उम्बर आता पता कुछ है। मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराए लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है, और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है, उन्होंने सामने वाले मकान से, तो कहते हो बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है, महंगाई होते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, लेकिन 2-3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली, उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी ज़िंदगी में। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे आपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने अब घर पर फ़ोन किया, मैं ये मकान सामने ही है, तो उसको पता था कि मेरा क्या हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी बात है हुआ। मैंने कहा पुलिस आया है? मैंने कहा हाँ पुलिस आया। फिर उसके बाद गया, उन्होंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है, और उसके फादर के पाँचों बॉडी पड़ी है उसमें। तो बच्चे का हालत जो है, उनकी मादर जो है, तीन चार महीने पहले ही वो डेथ हो गए थे, बीमार हो गए थे, वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, वो चला गया। उसके बाद बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सयानी लड़की थे, करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़की थे, 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, क्योंकि इनको हमेशा दरवाज़ा बंद, जिसके अंदर विटामिन ABCD कुछ मिलना ही नहीं है, तो सीधी होते हो ही नहीं सकता कभी भी, और सारे अपंग थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कभी कभी देखे है बाहर, ऐसे बात नहीं है, कभी जाते भी थे बड़ी मुश्किल से, कभी तो टेढ़ा मेढ़ा वो लेके गोदी लेके नीचे जाता था, वो गोदी लेके ऊपर आता था, बाप करते करते तो बाप को देखते देखते तरस आता था, धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल, मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या, ये तो आज नकाल कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं मिलता तो काम कब करेगा। स्पाइनल हॉस्पिटल है बसंतकुंज में, उसमें काम करते थे वो कारपेंटर की। तो उसके बाद देखे खाने में क्या खाते थे, पेप्सी बैफार रोज देखते थे, वो कूड़े वगैरह रखता था ना बाहर दरवाजे के, कूड़े वाले आते थे तो पेप्सी बैफार ये सब खा के इंसान कब तक जिंदा जाएंगे। रोटी कभी कभार ढाबे से ले आता था, खुद बना ले नहीं पाते थे। करते करते अब जिंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे सारे। मसला इनकी भूखमरी की बात है, और फिर गरीब अपंग बच्चे है लेके कहाँ तक झेलेगा, मादर सिंह के चले गए क्या करेंगे बताओ। जिंदगी इंसान जब हार जाते तो कोई ना कोई रास्ता स्टेप तो उठाना ही पड़ता है, ये बेचारा भी उठा लिया चले गए सारे। जैसे ये किसी ने पड़ोसी ने इसमें ला रही थी, उन्होंने बताया, और जब बिल्डिंग का टेक केयर है उसको बताया, उसने जो है फिर आके देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, यानी मुझे मालूम नहीं है इतना खास ज़्यादा है, और जैसे पुलिस आई जब हमें पता चला। अच्छा, आपने कभी इन बच्चियों को हीरालाल को कब देखा था आखिरी बार, कभी नजर आते थे लोग? हफ्ता 10 दिन पहले ही जो है, मतलब एक लड़की को दवाई दिलाने ले जा रहे थे जब ही मैंने देखा था। अच्छा, थे आपने देखा चारों बच्चियां क्या विकलांग थी, कभी नजर आती? विकलांग के तो बारे में मैं कह नहीं सकता, पर दुबली पतली थी,
बीमार लगती थी? बीमारी शायद शरीर दुबला पतला पर बीमारी समझो सर। बेसिकली कल सुबह 10:18 पे हमें एक PCR कॉल मिलती है कि कॉलर ने बताया है कि किराएदार रूम नहीं खोल रहा है। जो कॉलर थे वो वहाँ पे नितिन थे, जो ओनर थे उस पर्टिकुलर जगह में, जो रंगपुरी में। तो वहाँ पहुँचने पे पता चला कि नितिन के जो केयर टेकर हैं मोहन, वो उस बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, और उस बिल्डिंग में जो थर्ड फ्लोर था, जिसको सी फ्लोर कहते थे, उसमें C4 रूम था, उसको उसमें से फाउल स्मेल आ रही थी, और उसको जो वहाँ पे जो किराएदार जो हीरा लाल शर्मा रहते थे वो खोल नहीं रहे थे। तो इमीडिएटली हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है, और उनकी प्रेजेंस में हम ये डोर अनलॉक करते हैं फोर्सफुली। जब डोर अनलॉक करते हैं तो उसमें हमें टोटल 5 बॉडीज़ हमें रिकवर होती हैं। जब हमने पूछताछ की तो पता चला वहाँ पे हीरा लाल शर्मा नाम के व्यक्ति थे, जो कि 46 ईयर ओल्ड थे, मूलतः छपरा से रहने वाले थे। यहाँ पे ये 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियाँ नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरा लाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज़ दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे CBI CFSL की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक FSL रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया, और बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया, और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए। और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं, जो कि उनके डस्टबिन में होते हैं, और बाकी जो सामने पूरे जो भी हमारे पास जो मटेरियल था, ग्लासेस था या जो लिक्विड मटेरियल था, जो पॉसिबल एग्जिबिट्स हमने वहाँ पे लिफ्ट किए, और हमने इसमें 194 BNSS के अकॉर्डिंग हमने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिए। साथ ही साथ हमने जो इनके रिलेटिव्स थे, जो जोगिंदर इनका जो भाई था, वो भी यहीं पे बंगाली मार्केट में रहता था, पास में यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, वो और उनकी वाइफ गुड़िया को भी बुलाया। तो उनसे पूछताछ करके पता चला कि ये जो फैमिली है, इनके जो बच्चों की जो मदर थी, उनकी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, उनका इलाज इंडियन स्पाइनल में ही चल रहा था, और उसके बाद से ये जनवरी से जो हीरा लाल शर्मा हैं, ये अपनी जॉब पे नहीं जा रहे थे, ऑन एंड ऑफ जा रहे थे, और ये अलूफ रख रहे थे। कुछ इनके 2 डॉटर्स हैं जो हमें पता चला है, जो गुड़िया शर्मा ने जो बताया कि वो डिफरेंटली एबल्ड थे, और आसपास जो इन्वेस्टिगेशन करी उससे पता चला कि ये अपने आप को सेक्लूडेड रखते थे। 2 साल पहले तक ये बच्चियां स्कूल जाती थी, उसके बाद नहीं जाती थी, और एक अलूफ जीवन जीते थे। फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सभी एंगल से हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। प्राइम एफेसी जो हम सीन ऑफ अकरेंस से यही लगता है कि जैसे अंदर से बंद करके, और कुछ जो मतलब अब उनकी परेशानी जो उनके जो रिलेटिव्स ने बताई हैं, वो यही कि जब उनकी वाइफ पास कर गई थी लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कैंसर, उसके बाद से थोड़ा कट ऑफ रहते थे और फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को से थोड़ा दूर रहते थे, और ये खुद ही सब चीज़ अपनी फैमिली के लिए करते थे। कोई सी हमें CCTV फुटेज मिला है कि हमें 24th को ये लास्ट टाइम अपने घर में सामान लेते हुए जाते हुए नजर आए।